सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में गाइज आपको यहां पे कितना परसेंट का TDS पे करना पड़ता है। और गाइज आपको एक बात तो मालूम ही होगा कि 1 अप्रैल 2023 से एक नया रूल आ चुका है, नया लॉ आ चुका है। और इस न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर गाइज आप इस एप्लीकेशन से पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना परसेंट का TDS पे करना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं यहाँ पे अपने पैसे को विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि जो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा और आपको गाइज यहाँ पे मालूम भी चलेगा कि आपको यहाँ पे सच में कितना परसेंट का TDS पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मन में एक और सवाल होगा कि अगर मैं इस एप्लीकेशन में डिपॉजिट करूँगा उसके लिए भी मुझे TDS पे करना होगा या जो मैं गाइज यहाँ पे मैं TDS पे करूँगा क्या वो पैसा मुझे यहाँ पे रिफ़ंड मिलेगा या पैसा वो मुझे रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यानी आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन में आ चुका हूँ, उससे आपको अधिक जानकारी देने के लिए गाइज आपको यहाँ पे क्रोम में आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन TDS न्यू रूल देखने को मिलेगा। और इस पर आएंगे तो यहाँ पे गाइज आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होगा विच द न्यू TDS लॉ विच इज द अप्लीकेबल इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2023। तो सिंपली गाइज आपको करना है क्या कि आपको गाइज यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे गाइज आपको टैप कर देना है। जैसे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे टैप कर चुका हूँ। और इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइज अब यहाँ पे आपको यहाँ पे TDS का लॉ के बारे में मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहला जो कि गाइज आपको यहाँ पे दिखेगा व्हाट इज द न्यू TDS लॉ विच इज द अप्लीकेबल इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2023। यानी जो है 1 अप्रैल 2023 से नया रूल आया हुआ है। और यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2023 से 30% का टैक्स यहाँ पे TDS बिल भी यहाँ पे आपको डिक्लाइन टू नेट बिनिंग अमाउंट ऑफ द विड्रोवल टाइम। यानी आपका जो यहाँ पे 30% का टैक्स है पहले नहीं कटेगा, जब आप पैसे विड्रॉ करने जाएंगे उस टाइम आपको यहाँ पे 30% का TDS जो है आपका यहाँ पे माइनस होने के बाद आपका अकाउंट में आएगा। अब जो भी गाइज यहाँ पे आप पैसे करेंगे विन करेंगे उसी में आपको TDS पे चले। आपको यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए चलिए मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ। जैसे कि गाइज मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपये वाला कॉन्टेस्ट है जिसमें कि गाइज आपका 50% का डिस्काउंट है, बस आपने यहाँ पे गाइज 50 रुपये का पेमेंट कर दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपने उस वाले कॉन्टेस्ट में 200 रुपये आपने यहाँ पे विन कर लिया। यानी आपने यहाँ पे 100 रुपये वाला कॉन्टेस्ट लगाया जिसमें कि गाइज आपका 50 रुपये आपका डिस्काउंट था, 50 रुपये आपने पे किया और आपने यहाँ पे 200 रुपये विन कर लिया। लेकिन गाइज आपने उसमें जो है 200 रुपये में गाइज आपने आपका जो इन्वेस्टमेंट था आपने जो गाइज यहाँ पे पैसे लगाया था वो गाइज था बस यहाँ पे 50 रुपये, तो उसमें गाइज आपका माइनस 50 रुपये। तो गाइज आपको यहाँ पे अब 150 रुपये में आपको यहाँ पे TDS लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जो पैसे डिपॉजिट करेंगे उस वाले पैसे में आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो भी पैसे गाइज आप यहाँ पे करेंगे विन करेंगे उस पैसे में आपका TDS पे करना पड़ेगा। अब आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपली आप सभी को गाइज मैं लेकर चलता हूँ एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पे गाइज आपको दिखेगा माई बैलेंस। सिंपल गाइज यहाँ पे माई बैलेंस के ऑप्शन पे आता हूँ। माई बैलेंस के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे विड्रॉवल इंस्टेंटली दिखेगा, इस पे जाएंगे। इस पे जाकर मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में कितना परसेंट का TDS पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए मैं गाइज मैं यहाँ पे 1000 रुपये गाइज मैं विड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स TDS 300 रुपये। यानी मुझे गाइज यहाँ पे 1000 रुपये में 300 रुपये मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी जो मेरा 30% का TDS सच में मुझे देना पड़ रहा। और आप लोग को और भी जानकारी के लिए विड्रॉवल पे जाना है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि मैं 1000 विड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें कि 300 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देना है और यहाँ पे 700 रुपये जो है मेरे अकाउंट में आएगा। यानी मैं आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन में आपको 100% गाइज यहाँ पे आपको 30% का TDS आपको पे करना पड़ेगा। तो अब आप लोग का एक सवाल आया कि यह जो TDS मैं गवर्नमेंट को दूंगा या पैसे को गाइज मैं रिफ़ंड कर पाऊंगा या मैं रिफ़ंड नहीं ले पाऊंगा। तो मैं गाइज आपको बता दूं कि यह जो आप TDS अगर आप एक साल में अगर आप बहुत ज़्यादा TDS आप पे करते हैं तो फिर आपका अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत TDS पे करते हैं तो आप इस पैसे को रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके बीच का कुछ अमाउंट फिक्स होता है, आप गाइज यहाँ पर इंटरनेट में जाकर चेक कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में गाइज मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया कि आपको TDS कितना परसेंट लगेगा, या TDS आपको रिफंड मिलेगा या रिफंड नहीं मिलेगा। वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।